विदेशी कंपनियों को भारत की ओर से बड़ा झटका लग चुका है। अगर आप भी मर्सिडीज चलाने का शौक रखते हैं और आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको इस खबर पर ध्यान देने की जरूरत है। अब भारत को मर्सिडीज कार के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना होगा। जी हाँ, भारत शक्ति, उद्योग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया को चुनौती देने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंच ने पहली बार मेक इन इंडिया मर्सिडीज बेंच EQS 580 4Matic EV इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के बाद ये भारत की पहली मर्सिडीज कार बन गई है। इस लॉन्चिंग के मौके पर भारत के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे, लेकिन इस लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुछ ऐसा कहा जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं और यहाँ तक कि मैं भी आपकी कार नहीं खरीद सकता। नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि आप अपना उत्पादन बढ़ाइए, तभी लागत कम करना संभव हो पाएगा। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी कार नहीं खरीद पाऊंगा। क्या है मर्सिडीज की खासियत? आपको बता दें कि EQS 580 को मात्र 15 मिनट के फास्ट चार्ज पर 260 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। अगर फीचर्स की बात करें तो EQS 580 में ड्राइवर और यात्री के लिए कई अलग स्क्रीन दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक मर्सिडीज EQS 580 को भारत में फ्यूल मोटर सेटअप के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक एक्सल पर एक मोटर भी है। इसमें 107.8 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक मिला है। बता दें कि मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अक्टूबर 2020 में अपनी ऑल इलेक्ट्रिक SUV EQC को पूरी तरह से लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1.7 करोड़ रुपए थी। वहीं अब जिस कार को लॉन्च किया गया है उसकी कीमत 1.55 करोड़ रुपए बताई जा रही है।